सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, प्रिपरेशंस एकदम अच्छी चल रही है और आपने अभी से अपने प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी है फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट? बिकॉज सीए स्टूडेंट के लिए हर दिन प्रेशर्स होता है, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन साथ से ही प्लान करके चलनी है, बहुत बढ़िया तरीके से प्लान करके चलना है. एंड रादर जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली एग्जाम दिए थे उनको भी मैं कह रहा हूँ, भाई अगर एक ग्रुप आपने दिया था, दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो, और बोथ ग्रुप दिया था दोबारा से एक बार बोथ ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो. आई नो, आई बिलीव दैट आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट स्टिल बोथ ग्रुप की तैयारी दोबारा से शुरू कर दो. अगर आपने बोथ ग्रुप अभी दिया था, भगवान ना करे वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप सोच के देखो, अगर आपने तैयारी अभी से दोबारा शुरू नहीं करी है तो आपके पास कितना ही टाइम बच जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, राइट? लेकिन आपने तैयारी अगर शुरू कर दी है तो आपको फिर दिक्कत नहीं आनी आगे प्रिपरेशंस में, और एग्जाम क्लियर हो गया तो सेम नॉलेज आपका इंटरव्यूज में काम आ जाएगा, तो एज सच कोई इश्यूज की बात नहीं है, राइट? एंड रादर सीए इंटर के बच्चों को बोलूंगा मैं कि आपका सेम नॉलेज सीए फाइनल में काम आ जाएगा, एग्जाम क्लियर हो गया तो, है ना? तो सेम नॉलेज विल बी हेल्पफुल इन सीए फाइनल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. सेम नॉलेज आपका आर्टिकलशिप में काम आना है, सेम नॉलेज आपका सीए फाइनल में काम आना है, तो अगेन दैट प्रिपरेशंस आर नॉट गोइंग टू गो इन वेस्ट. अब देखिएगा, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑडिट में 70+ मार्क्स ला सकते हैं. मिशन 70+ इन सीए इंटर ऑडिट. तो क्या सर वाकई पॉसिबल है, क्या ऑडिट में 70+ मार्क्स आ सकते हैं? द आंसर इज येस. ऑडिट के अंदर डेफिनेटली आपके 70+ मार्क्स आ सकते हैं, एग्जामिनेशन तो पक्का पक्का आ सकता है, अगर आपने ऑडिट पढ़ने का अप्रोच आपने सही तरीके से चूज कर लिया. अगर आपने सही सारथी चूज कर लिया, ऑडिट पढ़ने का जो अप्रोच है वो आपने सही पकड़ लिया, तो 70 लाना भी ऑडिट में बड़ी बात नहीं है. नॉर्मली लोग समझते हैं कि यार ऑडिट इज ए कॉज ऑफ फेलियर, ऑडिट की वजह से मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा, ऑडिट की वजह से मेरा सेकंड ग्रुप अटक जाएगा, नॉर्मली बच्चा ये सोचता है. लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑडिट ही वो वजह बन सकता है कि जो आपके सेकंड ग्रुप का बेड़ा पार लगा दे और आपके एग्रीगेट में आपकी हेल्प कर दे. इट इज इंडिड पॉसिबल. बस ऑडिट पढ़ने का जो अप्रोच है वो प्रॉपर होना चाहिए. तो देखना, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्टेप्स कि किस तरीके से आप ऑडिट में 70+ ला सकते हैं. तो मेरे साथ वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, ध्यान रखिएगा. और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने बाकी दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट ऑडिट के रिगार्डिंग आपके एग्जाम्स के लिए आपको मिलने वाली है. अब देखिएगा, सबसे पहले स्टेप वन क्या है. सबसे पहले व्हाट इज स्टेप वन? तो स्टेप वन ये होता है यार, ऑडिट में ना आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो प्लानिंग, कि हमेशा ऑडिट की शुरुआत प्लानिंग से होती है. तो यहाँ आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत भी प्लानिंग से होती है. सबसे पहले आपने चीज़ों को प्लान करना है कि मेरे को कैसे ऑडिट में आगे बढ़ना है, मेरे को कौन सी क्लास लगानी है, मेरे को कौन सी क्लास लेनी है, मेरे को कितने घंटे कोचिंग में डिवोट करने हैं, या फिर मेरे को सेल्फ स्टडी करना है. तो आपने क्या करना है सर? प्लानिंग करनी है. तो सबसे पहले स्टेप वन, चूज द अप्रोप्रिएट क्लास सुटेबल फॉर यू. मतलब अपने लिए सही सारथी चूज करें, अपने लिए सही टीचर चूज करें, सही मेंटर चूज करें, और अगर अपना सेल्फ स्टडी पर से करना है तो अपना सेल्फ स्टडी मोड डिसाइड करें. जब हम कहते हैं कि अप्रोप्रिएट क्लास चूज करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्टिकुलरली ये देखकर जाना है कि भीड़ कहाँ जा रही है, आपने ये देखकर जाना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपने ये देखना है यार कि मेरे लिए कौन सा टीचर सुटेबल है. अलग अलग टीचर्स हैं, उनके वीडियोस देखिए, डेमोस देखिए, आप ये देखें कि मेरे लिए कौन सा टीचर सुटेबल है और कौन सा टीचर मुझे मेरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी कॉन्टैक्ट में मिल जाएगा, कि यार जिससे मैं अगर कल को कुछ क्वायरी वगैरह पूछ लूँ या अगर कुछ असिस्टेंस वगैरह ले लूँ तो एक पर्सनल असिस्टेंस भी मेरे को मिल जाएगा. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू चूज द क्लास. ठीक है, तो चूज़ करिए अप्रोप्रिएट क्लास. और मैं आपको बता दूं, ऑडिट में 150-200 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, 100 घंटे तक सफिशियंट होता है ऑडिट कवर करने के लिए. जैसे मैं बताऊं तो हमारी ऑडिट क्लासेस के अंदर 100 घंटे के अंदर बहुत ही एग्जॉस्टिव मैनर में हमने ऑडिट कवर किया है, एंड दैट इज सफिशियंट फॉर यू टू गेट 70+ इन एग्जामिनेशन. और दूसरी चीज़ क्या होती है कि टीचर के साथ प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, तो वो ज़रूर देखिएगा. जैसे हमने पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, हर बच्चे को वहाँ ऐड कर रखा है, रेगुलर बेसिस में मैं वहाँ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकता है. उसके बाद आपने अपनी क्लास चूज कर ली, या फिर आपने अपना सेल्फ स्टडी मोड डिसाइड कर लिया कि यार मेरे को तो सेल्फ स्टडी करनी है. ऑल्दो इंटर लेवल पे मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए. इंटर अगर अच्छे से क्लियर हो गया ना, इंटर में ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो फिर भी आप फाइनल में जाके सेल्फ स्टडी कर सकते हो. फिर स्टेप टू, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले कॉन्सेप्ट जरूरी है,
सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है कि समझो कॉन्सेप्ट्स क्या है। मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है सर ऑडिट में तो रटना ही पड़ता है सर, ऑडिट में तो लर्न करना पड़ता है सर, बिना लर्न के तो काम नहीं चलता। अरे लर्न करना इज द सेकंड स्टेप, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट समझना है। आप रट ही नहीं पाओगे, आप लर्न ही नहीं कर पाओगे जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। तो कॉन्सेप्ट समझना इज द स्टेप वन, वो एकदम प्राइमा फेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट्स को एकदम सिंप्लीफाइड वे में जितना आप समझ सको उतना बेटर है। कॉन्सेप्ट को समझो, सिंप्लीफाइड वे में समझो। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स के जिस्ट को अपने मदर टंग में कन्वर्ट कर लो, और फिर जब प्रोविजंस को रिकॉल करते हो माइंड में तो अपने मदर टंग में बार बार रिपीट करो। बिकॉज आपका जो मदर टंग है ना, उससे आपका जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अगर आप चीज़ों को मदर टंग में कन्वर्ट करके अगर आप विजुलाइज करते हो, रिकॉल करते हो, तो उससे आपका रिटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब सर हमने चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए, अब क्वेश्चंस का क्या करें? क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं सर, हमारे टीचर्स ने भी जो क्वेश्चन बैंक दिए होते हैं भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर क्वेश्चंस भर भर के करने लगे तो एक ही चैप्टर में खो जाते हैं अपन, और अगर क्वेश्चंस अपन ना करें तो लगता है यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जब चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट्स करते रहोगे ना, आप एटलीस्ट ऐसे के स्टडी मैट के क्वेश्चन साथ साथ कर लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चंस बाद में कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट ICI के स्टडी मैटरियल के क्वेश्चन साथ साथ कर लीजिए। हर चैप्टर में ICI ने अपने स्टडी मैट के एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एटलीस्ट उनको आप साथ साथ कर लीजिए। कुछ टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ इंटीग्रेटेड MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एटलीस्ट आप उनको साथ साथ देख लीजिए, ठीक है जी। स्टेप 4, एक बार रिलीजियसली फुल सिलेबस कंप्लीट कीजिए। प्रॉब्लम क्या, बच्चा भटक जाता है, 3 चैप्टर ऑडिट का करा, अरे हम बोर्ड हो गए यार, फिर पता चला 1 हफ्ता गैप आ गया ऑडिट से, 10 दिन गैप आ गया ऑडिट से, और फिर उसको ऑडिट का सिलेबस खिंचता जा रहा है 3 महीने तक। तो दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू डू। एक बार आपने ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ना, तो रिलीजियसली फुल सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जब मैं कह रहा हूँ रिलीजियसली फुल सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है विद द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है विद द क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट रिवीजन, नहीं। आपने कॉन्सेप्ट्स रेफर करने हैं, आपने स्टडी मैट ICI का साथ साथ देखना है, क्वेश्चन साथ साथ लगाने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने वो डिसिप्लिन रखना है कि सर 10 दिन ज़्यादा लगे लेकिन मैं रिलीजियसली एक बार फुल सिलेबस ऑडिट का कंप्लीट करूँगा कुछ भी हो जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे 100 घंटे की क्लास है, तो भैया मेरे को 2 घंटे करके 50 दिन लगातार क्लास देखना है, या मेरे को 3 घंटे करके अकॉर्डिंगली 33 डेज लगातार क्लासेस देखनी है, तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर सेट होनी चाहिए। अब एक बार आपने रिलीजियसली फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपने करनी है प्लानिंग ऑफ रिविजन्स कि मैं रिविजन्स किस प्रकार से करूंगा, कितनी बार रिविजन्स करूंगा। बिकॉज अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग मिली है, जब आपने ऑडिट के सिलेबस को रिलीजियसली एक बार कंप्लीट कर लिया है, अभी आप ऑडिट को समझे हो। ऑडिट को हमेशा 3 स्टेप्स में पढ़ना होता है, अगर आप 3 स्टेप्स में ऑडिट को पढ़ लेते हो तो 70+ गारंटीड हो जाते हैं। सबसे पहले ऑडिट को समझना है, फिर ऑडिट से दोस्ती करनी है, फिर ऑडिट से प्यार करना है। तो अभी तक आप ऑडिट को सिर्फ समझे हो और थोड़ी बहुत दोस्ती डेवलप हुई है, अभी तक प्यार वाला रिलेशन डेवलप नहीं हुआ है। अभी तक जब आपने रिलीजियसली एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आप ऑडिट को खाली समझे हो। अब जब आप रिविजन्स प्लान करोगे तो पहले और दूसरे रिविजन में आपकी दोस्ती होगी ऑडिट के साथ, और तीसरे चौथे पांचवें रिविजन में आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा, और जब तक आप 5 रिविजन्स कंप्लीट कर दोगे आपको फुल ऑन मोहब्बत हो जाएगी अपने ऑडिट के साथ। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। तो अपने को क्या करना है सर, रिविजन्स प्लान करना है कि मैं अब रिविजन किस तरीके से करूँ। जैसे आइडियल अप्रोच क्या होता है, आपने मान लीजिए लेटर से फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी क्लासेस की है, तो 100 घंटे लगे आप क्लासेस के साथ ऑडिट कंप्लीट करने में, और 50 घंटा आपने खुद से करने में लगा, तो मान लीजिए 150 घंटे 160 घंटे लगे। उसके बाद अगर 160 आवर्स आपने विद क्लासेस फर्स्ट टाइम लगा, तो आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो 80 आवर्स का होना चाहिए, सेकंड रिवीजन में भी आपका 60 आवर्स का होना चाहिए, थर्ड रिवीजन में भी आपका 40 घंटे का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रिविजन्स प्लान कर सकते हो। बाकी रिविजन्स को इफेक्टिव कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा। अब याद रखिएगा सर, अभी तक फिलहाल आपने जब आपने रिलीजियसली ऑडिट को समझ लिया है, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अभी तक फिलहाल आपने ऑडिट में कॉन्सेप्ट्स में ही फोकस किया है। बट एग्जाम में याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके MCQs में काम आएंगे। एग्जाम में 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आते हैं, 70% डिस्क्रिप्टिव होता है, जहां आपके रिटन स्किल्स टेस्ट होते हैं, तो आपका रिटन स्किल भी शानदार होना चाहिए। तो आपने साथ ही साथ जब रिविजन्स आप करोगे ना, आपने रिटन स्किल्स में फोकस करना है। आपने क्या करना है सर, रिटन स्किल्स में फोकस करना है, प्रेजेंटेशन में फोकस करना है कि ICI को क्या चाहिए, अपने को आंसर्स लिखना कैसे होता है, कितना कंटेंट होना चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ों में अपने फोकस करना है, अपने रिटन स्किल्स में फोकस करना है।
उसके बाद आप क्या करोगे सर, अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ ऐसे एसएम के क्वेश्चंस करे थे। अगर टाइम नहीं बचता है, आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर, आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, टाइम नहीं बचता है, कोई बात नहीं, ऐसे है कि एसएम के क्वेश्चन से काम चला लो। टाइम बच रहा है, बहुत बच रहा है, रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस कर लो। कम टाइम बच रहा है तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में सिर्फ करंट एमटीपी आरटीपी एंड प्रीवियस 3-4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना। प्रीवियस 3-4 अटेम्प्ट्स में अगर ओल्ड सिलेबस भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 80-90% सिलेबस तो सेम ही था। और फिर फाइनली क्या करना है सर, अपने टेस्ट की प्लानिंग करनी है, अपने टेस्ट प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है सर, टेस्ट एग्जीक्यूट करना है, टेस्ट देने हैं, जितना हो सके उतना टेस्ट देना है। टेस्ट देना इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन को एसेस ही नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रिपरेशन को एसेस करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एसेस करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। याद करो जब आप छोटे बच्चे थे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली आपके मार्क्स के ग्राफ कम होने लग गए। एक कारण क्या पता है, आप पहले बचपन में बहुत टेस्ट देते थे, अब आपने टेस्ट देना कम कर दिया है, तो आप टेस्ट प्लान कीजिए, ठीक है। कोई भी रिलायबल टेस्ट प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए और टेस्ट प्लान कीजिए। जैसे हमारा भी एक रिलायबल टेस्ट प्लेटफॉर्म है, www.apnamental.com, नाम नोट डाउन कर लीजिए, www.apnamental.com। इस प्लेटफॉर्म से आप मेरी क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, किसी और फैकल्टी की क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, एंड यू गेट द मोस्ट रिलायबल टेस्ट सीरीज फॉर ऑल द 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, जहां आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, 100 मार्क टेस्ट मिलता है विद प्रॉपर इवैल्यूएशन मिलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपने ये सारी चीजें करनी है। 8 स्टेप्स में आपके प्रिपरेशन को मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले स्टेप 1, अपना अप्रोच डिसाइड करें, यार मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है या क्लास लेना है, क्लास लेना तो किससे लेना है। स्टेप 2, मेरे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट में फोकस करना है, हर कॉन्सेप्ट का जिस डेवलप करना है अपने मदर टंग में। स्टेप 3, ऐसे है कि एसएम के क्वेश्चन साथ साथ लगाने हैं। स्टेप 4, कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन मैनर में रिलीजियसली फुल सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है। स्टेप 5, रिविजन प्लान करने हैं। स्टेप 6, रिविजन के साथ साथ इस बार लिख लिख के भी देखना है, रिटर्न प्रैक्टिस में ध्यान देना है, रिटर्न स्किल्स में काम करना है। स्टेप 7, रिमेनिंग क्वेश्चन साथ में देख लेने हैं, और फाइनल स्टेप टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये तो हो गया सर द नॉर्मल स्टेप्स कि आपने ऑडिट में 70+ कैसे लाने हैं। अब अगर सपोज आप मुझे डिसाइड करते हो कि मुझे सानिध्य सर को अपना सारथी बनाना है, सानिध्य सर को अपना गुरु बनाना है, एंड मुझे उनके साथ मिलकर ऑडिट में 70+ लाना है, यानी कि आप मेरा क्लास लेने का डिसीजन लेते हो, तो हमारा क्लास अप्रोच क्या होगा ये भी आपको मैं बता दूँ। जब भी कोई बच्चा मुझसे क्लास लेता है, मैं ये नहीं बोलता कि वो मेरा स्टूडेंट है। अगर आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो मतलब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप मेरी जिम्मेदारी हो। आपको कैसे उस पार लेके जाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने अपना डेडिकेशन देना है, आपने अपना 200% देना है, बट अदर देन दैट आपको कैसे उस लाइन के पार ले जाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब क्लास अप्रोच की बात करें तो हम लोग यहाँ पे हमने एक CIRP मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये जो CIRP मॉडल है ना, बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है। आप बिलीव नहीं करोगे, CA फाइनल में हजारों स्टूडेंट्स को इस CIRP मॉडल ने उनका बेड़ा पार किया है, चाहे ऑडिट हो चाहे लॉ। अब ये CIRP मॉडल है क्या, बहुत ही अद्भुत मॉडल है ये। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स में काम करते हैं, C4 कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स का रिटेंशन, कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है I4 इंटरलिंकिंग। ऑडिट के अंदर ना इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अलग अलग टॉपिक्स का आपस में इंटरकनेक्शन कैसे है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ अपने को डेवलप करना है। R4 रिविजन, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने क्या बताया, पहली बार रिविजन जब करोगे तो दोस्ती होगी, बाद में प्यार होना शुरू होगा, 5 रिविजन कंप्लीट होगा तब जाके प्यार मोहब्बत होगी। तो 5 रिविजन कैसे करने हैं, 6 रिविजन कैसे करने हैं, उसमें अपने को काम करना है। रिविजन के लिए मैं आपको क्लास में बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता हूँ, जैसे उनमें से सबसे इफेक्टिव टूल जो होता है दैट इज़ द रिविजनरी वॉइस क्लिप्स। नाउ ये जो वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट है ना, दिस ब्रॉट ए रिवॉल्यूशन इन माई CA फाइनल क्लासेस। मतलब सबसे पहले ये वॉइस क्लिप का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ शुरू किया था, जो एक रिवॉल्यूशन लेकर आ गया था। मतलब पूरे देश में आप सोच नहीं सकते कितने बच्चों को अनगिनत बेनिफिट मिला था। अब ये वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। एक चैप्टर जो अपन क्लास में 4 घंटे में करेंगे, आपको मैं 20 मिनट का मुश्किल से वॉइस क्लिप दूंगा, और आपने सिर्फ उस 20 मिनट के वॉइस क्लिप को रेगुलर बेसिस में सुनते रहना है, और आप देखोगे कि आप कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाओगे। और वो 20 मिनट भी आपने कब सुनना है, आपके सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम में। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप वॉशरूम में बैठे हो, वो सारा जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है आपको वहाँ वॉइस क्लिप सुनने हैं। और उसके अलावा प्रेजेंटेशन, वी हैव टू वर्क अ लॉट इन प्रेजेंटेशन, बिकॉज यार प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है।
बोल के मुझे बुरा लगता है यार, बट तुम लोग सीए में इंटर लेवल पे एग्जाम देने जा रहे हो, बट तुम्हारी प्रेजेंटेशन पैथेटिक है। मतलब क्लास क्लास 7-8 के बच्चे से बुरी प्रेजेंटेशन है तुम्हारी, तुम्हारा रिटन स्किल्स पैथेटिक है, तो अपने को उस पर काम करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू फॉलो द सीआरपी मॉडल। सीआरपी मॉडल तब काम करता है अगर बुक्स अच्छी हो, तो आपको साथ में मिलने वाला है एक्सलेंट बुक्स, जिसके अंदर आपको कलरफुल कॉन्सेप्ट बुक्स मिलने वाला है, मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक मिलने वाला है, 500 पेज का कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज वाली कॉन्सेप्ट बुक मिलने वाली है, एंड पढ़ के आपको मजा आएगा। और उसके बाद उसके अलावा आपको मिलने वाले हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बैंक्स, एंड उसके अलावा मिलने वाला है आपको एक्सलेंट सपोर्ट सिस्टम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज याद रखिएगा, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप तब तक नहीं होता है जब तक क्लासेस आप देख रहे हैं या जब तक आपने क्लासेस परचेज नहीं करी है। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जिंदगी भर का होता है, जिंदगी भर का। आज आपने मुझसे क्लासेस परचेज करी है, जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं जाते, जब तक आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, चाहे आपके एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सपोर्ट सिस्टम हमेशा मिलना चाहिए, और मेरा जो सपोर्ट सिस्टम मेरे बच्चों तक को होता है ना, वो तब तक होता है जब तक वो सीए ना बन जाए, और सीए बनने के बाद भी जब तक वो आगे अपने कैरियर में एक्सील ना कर जाए। हर स्टेज में मेरा सपोर्ट रहता है। आई एम पर्सनली अवेलेबल फॉर यू, यू कैन इजली व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, आई एम पर्सनली अवेलेबल फॉर यू। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिकुलरली टेलीग्राम के थ्रू सपोर्ट मिलता है आपको, व्हाट्सएप के थ्रू सपोर्ट मिलता है, पर्सनलाइज सपोर्ट मिलता है, हर लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है। अमेंडमेंट वीडियोस हैं, तो टाइमली अपडेशन ऑफ अमेंडमेंट वीडियोस, रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, रिविजन वीडियोस, हर चीज़ आपको मिलता है। तो सपोर्ट सिस्टम में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इफ यू आर टेकिंग माई क्लासेस। और एक चीज़ और बता दूँ यार, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप तब नहीं होता अगर आप उससे क्लासेस ले रहे हैं। पार्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एजुकेट करूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं इस जर्नी में हेल्प करूँ। सो मेरा आपका रिश्ता तो हमेशा बना रहेगा, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो नहीं ली हो। आपको बस मेरे YouTube चैनल में मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, और आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेज आपको मिलने वाले हैं मेरे YouTube चैनल के अंदर, मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। यू जस्ट हैव टू स्टे कनेक्टेड। रिविजनरी वॉइस क्लिप देश के हर बच्चे को मिलेगा, चाहे आपने मुझसे क्लास ली हो नहीं ली हो। रिविजनरी वीडियो देश के हर बच्चे को मिलेगा, चाहे आपने मुझसे क्लास ली हो नहीं ली हो, और साथ में मिलेगा ढेर सारा गाइडेंस, ढेर सारा प्यार। लेकिन ऑब्वियसली जिन बच्चों ने क्लासेस ली है उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड आई जस्ट विश कि यार तुम लोग मतलब अपना 200% दो और इस बार अपने एग्जाम क्लियर करके दिखाओ। ऑल दी बेस्ट।